तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि अभी राजमा की रेसिपी बनना बाकी है, तो यहाँ देखो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में ये मैं इनसे कंफर्म करता हूँ कि कितना यहाँ मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे रिफाइंड ऑयल भी रखा हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ जहाँ जब से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो यहाँ रिफाइन का यूज़ बिल्कुल नहीं किया गया। मस्टर्ड ऑयल के अंदर ही सभी रेसिपीज़ को बनाया जा रहा है। तो यहाँ 2 लीटर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर लिया गया है। अभी इसे अच्छे से होने। तो फ्रेंड्स, ये जो राजमा की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे ये ऑयल 2 लीटर डाला गया था। तो ये जो रसोई है, ये अपनी फिंगर डाल के ही, इतनी गरम गरम ऑयल के अंदर फिंगर डाल के ही चेक कर रहे हैं कि ऑयल जो है वो अच्छे से गरम हुआ या नहीं। तो इनका कहना है कि ऑयल गरम हो जाए तो इसको चेक करने का एक तरीका और है कि आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी लें और इसके अंदर थोड़े से छींटे लगाएँ, तो तब भी पता चल जाता है दोस्तों कि ऑयल जो है वो पूरी तरह से गर्म हो चुका है। गर्म हुआ या नहीं, तो ये इनका कहना है कि ऑयल अच्छे से जो है गर्म हो चुका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इन्होंने ऑयल के अंदर, जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो इसके अंदर इन्होंने 3 kg टमाटर की प्यूरी जो इन्होंने बना के रखी थी, ब्लेंड कर लिया गया था उसे, वो इसके अंदर डाल दी गई। और इसी के साथ यहाँ पे गर्म मसाला, दोस्तों बार बार कह रहा हूँ, ये गर्म मसाले की रेसिपी आप भी जानना चाहोगे, आप भी इसको सीखना चाहोगे तो वीडियो में मेरे साथ बने रहें। तो वीडियो के अंत में बिल्कुल बताऊंगा कि ये गरम मसाले की रेसिपी हिमाचल के अंदर गरम मसाला किस तरीके से तैयार किया जाता है दोस्तों। और इसके अंदर जैसे ही इस क्वांटिटी में इन्होंने 3 भर के मुट्ठी गरम मसाला डाल दिया, उसके बाद ये डालने वाले हैं, ऐसे में एसोफटीटा, जिसे हींग कहा जाता है, इसके अंदर इन्होंने यूज़ किया एसोफटीटा हींग। और इसी के साथ में आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये डाल दी गई काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में देगी मिर्च। और इसी के साथ यहाँ पर डाला गया कसूरी मेथी, वो भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में 2 मुट्ठी भर भर के इसके अंदर डाल दी गई। तो फ्रेंड्स, जैसे ही इसमें ये गरम मसाले डाल दिए गए, तो इसके बाद ये इसके अंदर डाला गया, मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको इसे डालने में, इसका यूज़ करने में कुछ किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है मखाना, इसके अंदर डाल दिए गए मखाने। ये 1 kg का पैकेट था दोस्तों, ईज़िली मार्केट में मिल जाता है। और ये आप घर में बना रहे हो ये रेसिपी, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें इसका यूज़ करें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। तो इसके अंदर ये 1 kg पैकेट मखाना भी डाल दिया गया। और इसी के साथ यहाँ पे डाली जा रही है टर्मरिक पाउडर, ये देख सकते हो, इसी के साथ इसमें डाल दिया गया टर्मरिक पाउडर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये आप देख सकते हो, ये 1 kg का पैकेट था फ्रेंड्स, कर्ड योगर्ट जिसे हम कहते हैं। अभी 1 kg इसमें ये दही डाल दिया गया है। अभी इसमें रसोइये का कहना है कि अभी इसमें जैसे ही ये पकता है, इसमें योगर्ट दही और डालने वाला है। सर, अभी और कितना दही डलेगा इसमें? 1/2 kg इसमें योगर्ट दही का अभी और यूज़ होने वाला है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको बताया था, ये तुअर की दाल जो बन के बिल्कुल तैयार है, प्रेशर कुकर से इसका प्रेशर खुद ब खुद रिलीज़ हो गया। उसके बाद ये आपको मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ये तुअर की दाल बनके बिल्कुल तैयार है। ये आप इसे रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, फिर कह रहा हूँ, जो चैनल पे नए हैं और इसी तरीके से नई रेसिपीज़ को सीखने के लिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। थैंक यू फ्रेंड्स। तो दोस्तों, यहाँ पे जब ये मखाना अच्छे से भुन चुका, तब हमने इसके अंदर डाल दिए अपने बॉईल किए गए राजमा, ये देख सकते हो आप। अभी इन्हें भी अच्छे से मखाने और ऑयल और मसालों के साथ अच्छे से चलाते हुए मिक्स किया जा रहा है फ्रेंड्स। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये अभी इसके अंदर डाल दिए। और अभी इसके अंदर डाला जा रहा है सॉल्ट, स्वादानुसार नमक इसके अंदर डाल दिया गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ये इन्हें अभी अच्छे से चलाया जा रहा है, ये देख सकते हो फ्रेंड्स, इसमें मखाने और राजमा अच्छे से भुन रहे हैं। और दोस्तों, अभी ये बनके पूरी तरह से तैयार नहीं है फ्रेंड्स, तो आप इसकी रंगत अभी से देख सकते हो कि कितना अच्छा कलर इस राजमा के मदरा के अंदर, इस राजमा की रेसिपी के अंदर आ चुका है अभी। और चूंकि ये अभी बननी बाकी है फ्रेंड्स, तब भी आप इसकी रंगत अभी देख सकते हो कि हमारे जो रसोई हैं उनके हाथ में किस तरीके का आर्ट है। तो दोस्तों, आपके घर में भी किसी तरीके का कोई फंक्शन कुछ हो, कोई पार्टीज़ वगैरह हो, वहाँ पे कुछ पकवान हिमाचली स्टाइल में बनाने हो, तो आप बिल्कुल मुझसे संपर्क कर सकते हो फ्रेंड्स। अपना कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा फ्रेंड्स।
तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये जो राजमा का मद्रा था ये बनके तैयार हो चुका है। इसके अंदर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में डाल दिया गया है गरम मसाला और किचन किंग का यहाँ पे यूज़ किया गया दोस्तों। और इसी के साथ में इन्होंने एक मुट्ठी भर के डाला था मैगी मसाला और इसे नीचे उतार लिया है। तो ये राजमा की रेसिपी बन के तैयार है। ये दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा क्लोज व्यू दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बन के ये तैयार हुई है फ्रेंड्स। तो बने रहे हैं वीडियो में मेरे साथ दोस्तों। ये दिखा देता हूँ फ्रेंड्स आपको, ये राजमा का मद्रा ये आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से दोस्तों अभी भाप निकल रहा है तो ये आपको पूरी क्लियरिटी में नहीं नज़र आने वाला। तो ये राजमा का मद्रा, हिमाचली राजमा का मद्रा बन के तैयार है फ्रेंड्स, सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसे रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकते हो।